दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मनरेगा के स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर यानी कि फिक्स एसेट रजिस्टर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए, उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्राम पंचायतों में कौन कौन से वे 7 रजिस्टर होते हैं जिनको प्रत्येक ग्राम पंचायत को मेंटेन करना अनिवार्य होता है। रजिस्टर एक में जॉब कार्ड आवेदन, जॉब कार्ड पंजीकरण, जॉब कार्ड निर्गत, परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार संबंधी रिपोर्ट आदि। रजिस्टर दो में होंगे कार्यवृत्त, कार्यों की प्राथमिकता सूची, ग्राम सभा की बैठक, विशेष सामाजिक अंकेक्षण सभा की कार्यवाही। इसके बाद रजिस्टर तीन में काम की मांग, कार्यों का आवंटन, मजदूरी का भुगतान। रजिस्टर चार को कार्य रजिस्टर बनाया गया है। रजिस्टर पांच को फिक्स्ड एसेट रजिस्टर यानी स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर, रजिस्टर छह को शिकायत रजिस्टर बनाया गया है और अंतिम यानी रजिस्टर सात को सामग्री रजिस्टर बनाया गया है। दोस्तों मनरेगा के स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में वो कार्य आते हैं जो पूर्ण हो चुके होते हैं, जिनकी सीसी जारी हो चुकी होती है। दोस्तों ये रजिस्टर आपको ऑफलाइन मैनुअल लिखना होता है या आपको आसानी से किसी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद कर इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मनरेगा स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर कुछ इस प्रकार का दिखता है। यह है दोस्तों इसका कवर पेज और दोस्तों यह है इसका प्रमाणीकरण वाला पेज और दोस्तों यह है इंडेक्स पेज जहाँ पर हमने बता रखा है कि कौन से पेज पे कौन सा वर्क है। उसके बाद दोस्तों यह है यहाँ पे वर्क की डिटेल। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का परिसंपत्ति रजिस्टर होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए एक वर्ग की जानकारी परिसंपत्ति रजिस्टर में फिल की है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आएगा कार्यालय ग्राम पंचायत का नाम, उसके बाद भाग क में परिसंपत्ति का ब्यौरा आएगा और भाग ख में परिसंपत्ति से संबंधित कार्य का ब्यौरा आएगा। यहाँ पर पता लिखेंगे सबसे पहले वर्ग का, उसके बाद पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें परिसंपत्ति आईडी, नरेगा सॉफ्टवेयर से प्राप्त की गई परिसंपत्ति की यूनिक आईडी यहाँ पे हम दर्ज करेंगे। जो भी वर्क कोड रहेगा वो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों परिसंपत्ति का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र लसुड़िया। उसके बाद दोस्तों परिसंपत्ति की श्रेणी, दोस्तों मनरेगा के प्रत्येक कार्य की एक परिसंपत्ति की श्रेणी होती है, परिसंपत्ति की कैटेगरी होती है, वो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे लिख दिया है भारत निर्माण सेवा केंद्र। उसके बाद दोस्तों परिसंपत्ति का विवरण आपको यहाँ पे लिखना है, ग्राम लसुड़िया में पंचायत भवन निर्माण। दोस्तों इसमें पांचों पॉइंट है, प्राथमिक परिसंपत्ति सृजित करने की दिनांक यानी कि दोस्तों ये परिसंपत्ति किस तारीख को सृजित हुई, किस तारीख को इस परिसंपत्ति की सीसी जारी हुई, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दी है 8 जनवरी 2018 और पूरा करने का वर्ष 2018। वैयक्तिक लाभार्थी यदि लागू हो तो, अगर दोस्तों हृदय मूलक कार्य है तो उसमें नाम और जाप कार्ड संख्या लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सामुदायिक मूलक कार्य है तो सिंपली इसमें जानकारी नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों सातवां पॉइंट है, योजनाओं का नाम जिनके साथ तालमेल किया गया। यदि केंद्र राज्य योजनाओं संबंधित विभागों 14वें वित्त आयोग आदि के साथ तालमेल के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य हो, अगर दोस्तों नरेगा के अतिरिक्त कन्वर्जेंस का वर्क है तो सिंपली आपको यहाँ पे कन्वर्जेंस जो भी है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों भाग ख में चलते हैं, परिसंपत्ति से संबंधित कार्य के ब्यौरे में। दोस्तों यहाँ पे पहला कॉलम है सरल क्रमांक और दोस्तों दूसरा कॉलम है कार्य की आईडी। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी वर्क की आईडी हमने लिख दी है। उसके बाद दोस्तों कार्य पूरा करने की तारीख हमने यहाँ पे लिख दी है 8 जनवरी 2018। उसके बाद दोस्तों कार्य का नाम, प्राथमिक कार्य का नाम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे श्रम दिवस हमने लिख दिए हैं 660। उसके बाद दोस्तों व्यय राशि रुपए में आपको यहाँ पे लिखनी है, अकुशल मजदूरी हमने यहाँ पे लिख दी है, अर्धकुशल कुशल मजदूरी सहित सामग्री सिंपली आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद दोस्तों अन्य निधियाँ, अगर दोस्तों कन्वर्जेंस से वर्क है तो सिंपली कन्वर्जेंस की राशि आपको यहाँ पे लिखनी है और लास्ट में नाम और हस्ताक्षर आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, बात किए कार्यों की कार्य आईडी। अगर दोस्तों हम कोई कार्य पूर्ण करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई दूसरा वर्क करवा देते हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी वर्क की आईडी की जानकारी आएगी। सिंपली हम कोई खेत सड़क या सुदूर सड़क बनाते हैं और उसके आसपास प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे जानकारी भर देनी है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मनरेगा के स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के कवर पेज, उसके प्रमाणीकरण वाले पेज और दोस्तों परिसंपत्ति रजिस्टर का ब्लैंक फॉर्मेट दे रखा है और दोस्तों कौन कौन से कॉलम की कौन कौन सी जानकारी है पूरी जानकारी विस्तार से दे रखी है।
आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपना मनरेगा का स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर यानी फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मनरेगा के स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर यानी फिक्स एसेट रजिस्टर की पूरी जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कीजिए। आपकी कोई समस्या है, सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।